हेलो दोस्तों, आज यहाँ पर डूइंग द मार्केट में वीडियो बना रहा हूँ और आप देख ही रहे हो कि लगभग लगभग 600 पॉइंट की 650 पॉइंट की यहाँ पर गिरावट हो चुकी है। 3.44% हमारा निफ्टी स्मॉल कैप 100 जो इंडेक्स है वो यहाँ पर गिर चुका है और अच्छी खासी यहाँ पर गिरावट होती हुई नजर आ रही है। तो एग्जैक्टली सारे इंडेक्स से रिलेटेड हम जानेंगे एक एक करके। हम जानेंगे यहाँ पर क्या एग्जैक्टली चल रहा है, क्यों इतनी गिरावट हो रही है, क्या यहाँ से और ज्यादा गिरेगा, क्या सब कुछ खत्म हो चुका है, क्या हमें सब कुछ बेच के निकल जाना है या हमें यहाँ पर इन्वेस्टेड रहना है सो दैट जब मार्केट में बाउंस बैक आए तो यहाँ पर से हमारी सब चीज रिकवर हो जाए और हम यहाँ पर अच्छा खासा पैसा बनाते हुए नजर आए। तो एग्जैक्टली क्या करना है उससे रिलेटेड यहाँ पर मैं आपको इनसाइट देता हुआ नजर आऊंगा। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा ताकि मैं आपको एक एक करके सारी चीजों से रिलेटेड अच्छे से समझा पाऊँ, और वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा ताकि यहाँ पर आपको समझ में आए। तो वीडियो में आगे बढ़ेंगे, बट उससे पहले रिक्वेस्ट है, आई एम स्मॉल कैप इन्वेस्टर को सब्सक्राइब, बेल आइकन को हिट आउट की नोटिफिकेशन कौन करे। बाइंग सेलिंग की बिल्कुल भी रिकमेंडेशन नहीं है, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर खुद की स्टडी करना है, चीजों को सीखना है, और सीखने के लिए मैं हमेशा कहता हूँ आपको वीडियोज जाके देखने हैं, जितनी वीडियोज देखोगे आपके लिए ही फायदे में रहेगा। बाकी आप क्या कर सकते हो और अच्छे से सीखना है तो आप हमारे चैनल हमारे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो, बेसिक्स टू एडवांस टेक्निकल रिसर्च फंडामेंटल, कब लेना है, कब बेचना है, क्यों लेना है, क्यों बेचना है। 25,000 रुपए का कोर्स है, 3 मंथ्स की एनरोलिंग स्ट्रेटेजी इन स्टॉक मार्केट, ऑनलाइन नोट्स, यहाँ पर सब चीज आपको यहाँ पर देते हुए हम नजर आएंगे। तो आप क्या कर सकते हो, आप हमारे चैनल को यहाँ पर सब्सक्राइब कर सकते हो और बेल आइकन को हिट कर सकते हो। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं और जानते हैं यहाँ पर एक करके चीजों को। तो देखिए यहाँ पर निफ्टी फिफ्टी, ठीक है, हम यहाँ पर निफ्टी फिफ्टी की यहाँ पर बात कर लेते हैं पैसों से पहले। तो निफ्टी फिफ्टी यहाँ पर आज के दिन मॉर्निंग में जब यहाँ पर मार्केट ओपन हुआ था तो क्या होता हुआ नजर आया था, यहाँ पर एक गैप अप बनता हुआ नजर आया था। और जब इस तरीके गैप अप होते हैं ना तो यहाँ पर अच्छी बात नहीं होती, जब मार्केट यहाँ पर लगातार गिर रहा होता है तब यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग के चांसेस ज्यादा रहते हैं, और वही होता हुआ नजर आया। ठीक है, यहाँ पर गैप अप हुआ, थोड़ा सा पोर्टफोलियो ऊपर आया और पॉजिटिव होके यहाँ पर धीरे 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 यहाँ पर गिरता हुआ नजर आया, कुछ नेगेटिव कैंडल्स बनाई और यहाँ पर अब चीजें गिरती हुई नजर आ रही है। निफ्टी फिफ्टी में बताऊं तो अब यहाँ पर देखिए एक यहाँ पर सपोर्ट है मेन 24,757 का, और यहाँ पर कुछ कैंडल अब बनती हुई नजर आ रही है जो कि पॉजिटिव कैंडल है, शायद यहाँ से अब बाउंस बैक हो सकता है, तो इसके लिए भी अब प्रिपेयर रहिएगा। ठीक है, और यहाँ पर आप देख ही पा रहे हो कि यहाँ पर जब ये गिरावट हुई है ना तो अभी क्या हो रहा था कि एफआईज बेच रही, तो डीआईज खरीद रहा था, बट इन कैंडल से मुझे यहाँ पर समझ में आता है कि डीआईज ने यहाँ पर बिल्कुल भी यहाँ पर पार्टिसिपेट नहीं किया है। ठीक है, यहाँ पर अभी तक फिलहाल की डेट में यहाँ पर बाइंग नहीं हुई है, बट अभी केवल और केवल 2 घंटे ही होते हुए नजर आया, ज्यादा टाइम हुआ भी नहीं है, और शायद अभी टाइम बचा हुआ है तो यहाँ पर दोबारा बाइंग होती हुई नजर आ सकती है, और शायद यहीं से ही बाइंग होती हुई नजर आ सकती है। तो यहाँ से हमें क्या रहना है, प्रिपेयर रहना है। ठीक है, इसके अलावा मैं थोड़ा सा अमेरिकन मार्केट की तरफ जाऊंगा और मैं आपको ले जाऊंगा। देखिए यहाँ पर अभी देखोगे तो यहाँ पर आप देखोगे डो जोन्स, तो यहाँ पर देखिए कितना लगभग लगभग 4 पॉइंट ही यहाँ पर गिरावट है, और इससे पहले अगर आप यहाँ पर अमेरिकन मार्केट को देखोगे तो आपको यहाँ पर समझ में आएगा कि अमेरिकन मार्केट लास्ट ट्रेडिंग सेशन में फ्राइडे को यहाँ पर 341 पॉइंट की लगभग 1% की यहाँ पर जंप देखी गई है। सेम एज इट इज यहाँ पर आप देखोगे नैसडेक को भी, तो नैसडेक भी आपको दिखाई देगा कि अच्छे खासे तरीके से लगभग 1.22% यहाँ पर बंद होता हुआ नजर आए। तो क्या ये जो वॉर हो रहा है क्या इंडिया के लिए ही हो रहा है? ठीक है, ये जो मिडिल ईस्ट में यहाँ पर जो प्रॉब्लम बनी हुई है क्या ये केवल इंडिया के लिए ही है या ऑल ओवर द वर्ल्ड है? तो आपको ये क्वेश्चन अपने आप से पूछना होगा। ठीक है ना, तो ये एक रीजन हो सकता है। और यहाँ पर ऐसी खबरें आ रही है कि इस वीक में इसराइल ईरान पर यहाँ पर अटैक कर सकता है और शायद 48 आवर्स के अंदर अंदर अटैक करता हुआ नजर आ सकता है, तो इस वजह से यहाँ पर ये प्रॉब्लम शायद इंडिया मार्केट इस वजह से भी यहाँ पर गिरती हुई नजर आती हुई दिखाई दे सकती है। बट क्या यहाँ पर गिरावट होती हुई नजर आई है, क्या यहाँ पर सब कुछ खत्म हो गया है, उससे रिलेटेड मैं बातें करूंगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अब मुझे क्या दिखाई दे रहा है मैं उससे रिलेटेड बातें करूंगा। अभी तक यहाँ पर थे तो यहाँ पर ओवरसोल्ड मार्केट चल रहा था। ठीक है, यहाँ पर हमने काफी बार पैसे निकाले भी थे, बट यहाँ पर जब ये गिरावट हुई तो इसका फायदा मैं भी नहीं ले पाया, और मैं भी यहाँ पर इन्वेस्टेड ही हूँ, फुल्ली इन्वेस्टेड हूँ। ठीक है, और मुझे किसी तरीके की टेंशन हो नहीं रही है। क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि इंडिया की स्टोरी अलग है और हमारे पोर्टफोलियो में ऐसे स्टॉक्स है जो इस बार जब ये मार्केट में जिस तरीके की ये रैली हुई है ना, इस बार जब रैली होगी तो हमारा पोर्टफोलियो आउट परफॉर्म करता हुआ नजर आएगा। लगभग 10% पोर्टफोलियो गिरा है, लगभग 40 से 50% 1 साल के अंदर अंदर वो पोर्टफोलियो बढ़ता हुआ नजर आएगा, मुझे इस चीज का विश्वास है। ठीक है ना, मुझे इस तरीके से हम यहाँ प्ले कर रहे हैं, और बीच में कुछ जो चीजें चेंजेस करनी होगी वो हम यहाँ पर करेंगे भी। यहाँ पर देखिए आज के दिन की जो गिरावट है, मैं तो आपको समझाना चाहूंगा, सबसे पहले कुछ चीजें बताना चाहूंगा।
सबसे पहले यहाँ पर देखिए आरएसआई, आरएसआई लेवल 30 के आसपास आ चुका है, ठीक है। और अगर एक आध दिन और गिरावट होती है तो मुझे लगता है कि यहाँ पर थोड़ी सी और गिरावट, अगर ये सबसे पहली बात तो यही सपोर्ट है मेरे 18,060 का, इसे भी तोड़ देता है तो एक सपोर्ट और नजर आता है जो कि कहाँ पर है, ये है 17,862 का। और एक सपोर्ट और नजर आता है एमरेडी की, यहाँ पर 2, 3, 4, 5, 6% हमारे पोर्टफोलियो के और निकल जाएंगे, यहाँ पर देखिए 17,500। और यहाँ से चीजें बाउंस बैक करनी ही करनी है, ठीक है ना। और ओवरसोल्ड मार्केट हो जाएगा, जो एफआईज वेट कर रहे थे, ठीक है, कि हमें यहाँ पर इंडिया के मार्केट महंगे हो गए तो हम यहाँ पर नहीं खरीद, हमें यहाँ पर तब खरीदेंगे जब यहाँ पर चीजें नीचे आएगी, वो चीजें अब नीचे आ गए। सारे स्टॉक्स कोई 10%, कोई 15%, कोई 20%, और वो भी स्टॉक्स, कौन सी बात कर रहा हूँ मैं, उन स्टॉक्स की बात कर रहा हूँ जो कि फंडामेंटली काफी स्ट्रांग है, ठीक है, जो मार्केट की गिरावट के साथ में तो नीचे आ गए हैं, बट मार्केट जैसे ही बाउंस बैक होगा, दो स्टॉक्स विल कम बैक और बाउंस बैक, है ना, जो बाउंस बैक करेंगे उसी तरीके से करेंगे, उसी तेजी के साथ करते हुए नजर आएंगे। तो एग्जैक्टली क्या दिखाई दे रहा है, ओवरसोल्ड हो चुका है मार्केट, थोड़ी बहुत और गिरावट होती है तो और ज्यादा ओवरसोल्ड हो जाएगा और फिर वहां से बाइंग होनी होनी जरूरी है। यहाँ पर आप देखोगे लगभग 600 पॉइंट की, ठीक है, 600, 550, 600, 650 पॉइंट की यहाँ पर गिरावट आज के दिन में देखी गई है, 3.75% की। क्या ये गिरावट आज की सबसे ज्यादा बड़ी गिरावट है? तो हाँ, यहाँ पर अभी कुछ महीनों की अगर हम बात करें तो वो गिरावट है, इससे पहले यहाँ पर हम देखेंगे तो ये गिरावट हुई थी 1.26% की, यहाँ पर 250 पॉइंट के आसपास गिरावट हुई थी, यहाँ पर देखोगे तो 178, तो इस तरीके के बार बार बाउंस बैक हुआ है, ठीक है। और इससे पहले देखोगे तो ये भी गिरावट हुई थी, बट यहाँ पर ये जैसी गिरावट हुई थी उसके बाद यहाँ पर आप देखोगे तो उसी तरीके से बाउंस बैक भी होता हुआ नजर आया है, ठीक है, अच्छी खासा था मार्केट। और इससे पहले भी आप देखोगे तो इससे पहले जो सबसे बड़ी गिरावट हुई थी ये हुई थी, लगभग 8% स्मॉल कैप इंडेक्स यहाँ पर नीचे आया था, 1400 पॉइंट की गिरावट हुई थी, और उसके बाद जब तेजी हुई है तो वो ही तेजी यहाँ पर, जहाँ पर ये इंडेक्स लगभग लगभग 15,000 के आसपास आ गया था, वो ही इंडेक्स यहाँ पर 20,000 के, 19,600 के आसपास यहाँ पर पहुंचता हुआ नजर आया था, ठीक है ना। तो आपको हमेशा सोचना है जब इस तरीके की बड़ी गिरावट होती है ना, वहां पर बेशक से बेचा ज्यादा ज्यादा जाता है, बट खरीदा भी उसी तरीके से जाता है। और सेम एज इट इज ऐसी गिरावट यहाँ पर भी आई थी, देखिए यहाँ पर भी आप देखोगे लगातार गिरते गिरते यहाँ पर आया था और लगभग 700 और 800 पॉइंट गिरते हुए नजर आए थे, 500 पॉइंट की यहाँ पर गिरावट आई थी, और उसके बाद जब रैली यहाँ पर शुरू हुई, ठीक है ना, 14,000 और अगले दिन की और गिरावट को मान लेते, 14,000 तक जब ये इंडेक्स आया था, उसके बाद 14,000 से यहाँ पर 19,000 तक की यहाँ पर तेजी हुई थी। क्या सब चीज खराब हो गई है? क्या यहाँ पर ईरान से हम ऑयल खरीद रहे थे, ठीक है, क्या हम यहाँ पर और जितने क्या वर्ल्ड यहाँ पर ईरान से ऑयल खरीद रहा था? तो आंसर इसका है कि नहीं, ठीक है ना, ना तो हम खरीद रहे थे, क्यों? क्योंकि यूएस ने ऑलरेडी टेंशन लगा के रख रखे है, तो यहाँ पर किसी तरीके का कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली, ठीक है। यहाँ पर जो गिराया जा रहा है बस इसलिए गिराया जा रहा है ताकि आप लोग यहाँ से, अब यहाँ पर देखिए आप लोगों ने यहाँ पर नहीं बेचा होगा, आई एम प्रेटी श्योर कि यहाँ पर बहुत कम लोगों ने यहाँ पर बेचा होगा, ठीक है, मैं भी नहीं बेच पाया, मैंने भी नहीं बेचा, और यहाँ पर भी शायद किसी ने नहीं बेचा हो, यहाँ पर कुछ लोगों ने शायद बेच दिया होगा, ठीक है। बट यहाँ पर बात करें तो अब इतनी गिरावट के बाद तो मुझे नहीं लगता कि आप लोग बेचोगे जब, ठीक है, और अगर यहाँ पर आप बेचते हो तो मैं ये कहूंगा कि आप लोग सबसे बड़े बेवकूफ कहलाओगे इस मार्केट में, ठीक है। और फिर इस केसेस में क्या होगा कि आप लोगों के पैसे बिल्कुल भी नहीं बनेंगे, क्यों? क्योंकि गिरावट और हो सकती है, उसके लिए आपको रेडी रहने की 3%, 4%, 5% गिरावट होगी, बट याद रखिए बाउंस बैक भी उसी तरीके से होने वाला है, ठीक है। आरबीआई की यहाँ पर 3 दिन की अब मीटिंग चल रही है, ठीक है, रेट कट शायद दोबारा यहाँ पर करता हुआ नजर आए। अभी न्यूज आई है कि भारत के पास लगभग 700 बिलियन डॉलर, जहाँ पर 2-3 महीने पहले केवल 600 साढ़े 600 600 बिलियन डॉलर हुआ करते थे फॉरन फॉरन रिजर्व्स, अभी फॉरन रिजर्व 700 बिलियन डॉलर के आसपास पहुंच गए हैं। तो सारी चीजें तो पॉजिटिव है, इंडिया का आउटलुक अच्छा खासा है, इंडिया की कंपनी अच्छा खासा परफॉर्म कर रही है, तो यहाँ पर चीजों को ऊपर जाना है, यहाँ पर चीजों को नीचे नहीं जाना। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको चीजों को समझना होगा, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग बिहेव करना होगा। और यहाँ पर अब जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक ओवरसोल्ड मार्केट बिल्कुल होती हुई नजर आई थी, 5 मिनट के चार्ट पे आप देखोगे 12 के आरएसआई पे आता हुआ नजर आया था, जब इतना आ जाता है ना, और वो भी इंडेक्स की बात कर रहा हूँ, स्टॉक्स की बात अलग होती है, स्टॉक्स मुझे जब इस तरीके के आते हैं तो और गिरने के चांसेस रहते हैं, मुझे पता है यहाँ पर, फिर वो स्टॉक्स होता है तो अलग ही बिहेव करता, फिर वहां पर 12, 8, 10 आरएसआई उस तरीके से काम नहीं करती। बट इंडेक्स के केसेस में आप देखोगे, इंडेक्स जब इस तरीके से गिरता है ना, जब इतना ओवरसोल्ड हो जाता है कि यहाँ पर 12 और 13 के भाव आरएसआई पे आ जाता है, तो चीजों को यहाँ पर बाउंस बैक होना ही, और यहाँ पर एक अच्छा खासा सपोर्ट ही है, और उसी सपोर्ट के आसपास चीजें चलती हुई नजर आ रही है। तेजी कम मानेंगे, तेजी मानेंगे जब ये यहाँ पर इंडेक्स है ना, यहाँ पर लगभग एग्जैक्ट लेवल दे रहा हूँ 18,900,
18,900 के ऊपर आएगा ना, तब यहाँ पर तेजी होगी। अभी यहाँ पर असली तेजी मत मानिएगा, बट हाँ, क्या यहाँ से और ज्यादा नीचे गिर सकता है? तो चांसेस बहुत कम है कि यहाँ से नीचे गिरे, और अगर यहाँ से नीचे गिरता भी है तो मैं यहाँ पर से कितना मानता हूँ कि लगभग लगभग 2% के आसपास, 2 से 3% की गिरावट और होगी। ठीक है, 2 से 3% की गिरावट और होगी, और उसके बाद जो बाउंस बैक होगा ना, वो बाउंस बैक बहुत तेजी वाला होने वाला है, बहुत अच्छा वाला होने वाला है। और वहां पर आपके जो रिकवरी तो होगी होगी, और आप अगर थोड़ा सा स्मार्ट प्ले कर जाओगे ना उस टाइम, तो आपके पैसे और ज्यादा बनते हुए नजर आएंगे। ठीक है, रिजल्ट सीजन शुरू हो चुका है। ठीक है, बेहतरीन बेहतरीन कंपनी आपको यहाँ पर मिलती हुई नजर आएगी। बस आपको अपने पोर्टफोलियो को उस टाइम आप रिस्ट्रक्चर करना चाहो तो वो कर सकते हो। अच्छी कंपनी है, तो डरने वाली मेरे हिसाब से तो कोई बात है नहीं। ठीक है, यहाँ पर जितनी गिरावट होनी थी हो गई है, शायद थोड़ी सी गिरावट और हो सकती है, मैं उसके लिए भी तैयार हूँ कि मान के चलिए 400 पॉइंट और गिरेगा, पर जैसे ही बाउंस बैक होगा चीजें अच्छी चलती हुई नजर आएगी। और 18,900 की मैंने बात कर दी है, जैसे ही 18,900 के ऊपर आएगा तो ये इंडेक्स यहाँ पर से 18,000 से 22,000 और 24,000 तक जाता हुआ नजर आएगा। जब यहाँ पर इंडेक्स लगभग 10% ऊपर जाता हुआ नजर आ सकता है, तो याद रखिए पोर्टफोलियो यहाँ पर 20-30-40% तक ऊपर जाता हुआ नजर आ सकता है। और स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन तो अलग रहते ही रहता है, तो हमेशा ध्यान से समझदारी से आपको काम करना है। ठीक है, अगर आप इन्वेस्टर हो, आपके पास व्यू 6 महीने 1 साल का है, तो याद रखिएगा पैसे लगाइएगा। चाइना की स्टोरी ठीक है खत्म हो चुकी है, अगला चाइना केवल इंडिया बनने वाला है। इंडिया में यहाँ पर आप सोच रहे हो कि चाइना में पैसे जा रहे हैं, ठीक है बेशक से जा रहे हैं, वो कुछ टाइम के लिए जा रहे हैं, बट इंडिया में पैसे आने वाले 10 से 15 साल के लिए यहाँ पर इन्वेस्टमेंट होने वाला है। ठीक है, यहाँ से अब देखिए मुझे यहाँ पर जिस तरीके से यहाँ पर दिखाई दे रहा है, अच्छी खासी यहाँ पर तेजी, यहाँ पर इंडेक्स यहाँ पर से बाउंस बैक कर गया है। यहाँ पर देखिए अच्छा खासा नीचे से आप देखोगे 200 पॉइंट की यहाँ पर तेजी हो चुकी है, बट मैं अभी यहाँ पर पॉजिटिव नहीं हूँ। यहाँ पर दोबारा नीचे आ सकता है, बट यहाँ पर मुझे लग रहा है कि DII जो यहाँ पर वेट कर रहे थे ना, वो यहाँ पर आ चुके हैं काउंटर करने के लिए, और उन्होंने यहाँ पर बाइंग करनी शुरू कर दिया है। थोड़ा बहुत पैसा लगाया होगा, ठीक है उसी हिसाब से जिस हिसाब से उन्होंने बेचा होगा, बट यहाँ पर तेजी है। ठीक है, यहाँ पर किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आती। स्टॉक अगर हम स्पेसिफिकली या कुछ इंडेक्स को यहाँ पर देख ले, तो इंडेक्स को हम यहाँ पर देख सकते हैं। बैंक को देख लीजिए, ना के बराबर गिरावट है। निफ्टी 50 में देख लीजिए, निफ्टी 50 में ना के बराबर गिरावट है। इसके अलावा यहाँ पर हम और चीजों को देखते हैं, निफ्टी मिड कैप को देख लीजिए। निफ्टी मिड कैप को अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर ये वाला इंडेक्स देख लीजिए, यहाँ पर भी अच्छी खासी गिरावट थी, उसके बाद बाउंस बैक होने की तैयारी में। और चीजों को देखना है तो IT देख लीजिए, निफ्टी IT, तो निफ्टी IT देखोगे तो निफ्टी IT देख सकते हो। ठीक है, थोड़ी सी ना के बराबर गिरावट है। इसके अलावा यहाँ पर निफ्टी यहाँ पर मेटल देखना है, तो निफ्टी मेटल में गिरावट हुई थी, वो वहां से बाउंस बैक होता हुआ नजर आ रहा है। निफ्टी फार्मा, तो यहाँ पर स्टॉक स्पेसिफिक गिरावट हुई है, ठीक है मुझे पता है अच्छी खासी चीजें नीचे आई है, बट याद रखिए मार्केट में एक अच्छी खासी तेजी होने वाली है। ठीक है, जिस जो जो यहाँ पर आपके पैसे बनाती हुई नजर आएगी, और वो पैसे उन्हीं के बनेंगे जो यहाँ पर टिकता हुआ नजर आएगा। ठीक है, जो यहाँ पर अच्छा काम करता हुआ नजर आएगा, उसके पैसे बनते हुए नजर आएंगे। जो यहाँ पर घबरा जाएगा, डर जाएगा, तो वहां पर उसके पैसे बनते हुए मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर बनते हुए नजर आएंगे। तो यहाँ पर देखिए 190 पॉइंट ये हो गया, 100 100 लगभग लगभग 200 पॉइंट ऊपर जा चुका है अभी नीचे से, और गिरावट कम है ना। अब यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो की जो बात की जाती है ना, रिस्क कम है रिवॉर्ड बहुत ज्यादा है, तो मेरे कहने पर बाइंग सेलिंग नहीं करनी, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर खुद की स्टडी करना है, चीजों को सीखना है। चीजों को जितना सीखेंगे उतना आपके लिए अच्छा होता हुआ नजर आएगा, और हमेशा याद रखिए कि ये चीजें खत्म हो जाएगी। ठीक है, और इंडिया में तो यहाँ पर किसी तरीके का कोई इफेक्ट नहीं होने वाला, क्यों? क्योंकि हम हमारे सबसे ही अच्छे खासे यहाँ पर हम बात कर रिलेशनशिप है। ठीक है, चाहे अमेरिका हो, चाहे रशिया हो, चाहे ईरान हो, चाहे इसराइल हो, ठीक है हमारी किसी से कोई परेशानी नहीं है। और जब चीजें इस तरीके से, जब रशिया वॉर को हम झेल गए, ठीक है जब हम यहाँ पर इस तरीके के ये ईरान के वॉर क्या हमें हमारी इकोनॉमी पे यहाँ पर इफेक्ट करेंगे। ठीक है, हम किसी पर्सनली किसी से यहाँ पर हम तो इंडल्स है नहीं, है ना, हम इंक्लूड है नहीं, तो किसी तरीके की मुझे यहाँ पर दिखाई नहीं देती कि यहाँ पर गिरावट होगी। बाकी आप अपने हिसाब से अपने पोर्टफोलियो को यहाँ पर मैनेज करके चलना। गिरावट हुई है, बट यहाँ पर ये गिरावट, यहाँ पर मैंने आपको बताया है कि ये गिरावट पहली बार नहीं है। हाँ ठीक है, बहुत बार यहाँ पर इस तरीके की गिरावट होती हुई नजर आई है, यहाँ पर आपको दिखा दिया, और जब जब इस तरीके की गिरावट हुई है तब उस तरीके का बाउंस बैक भी होता हुआ नजर आया, वो आपके सामने। आप बस जाके हिस्ट्री को देखिए, हिस्ट्री को आप जितना देखोगे आपको हिस्ट्री बता देगी कि किस तरीके से यहाँ पर काम चल रहा है।
तो वीडियो अच्छी लगे लाइक कमेंट शेयर, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को हिट करें और जितना हो सके सीखने की कोशिश करें। जितना सीखेंगे उतना ज्यादा आपके लिए अच्छा होता हुआ नजर आएगा, नंबर आपको नीचे मिल जाएंगे ताकि आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सको। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।